दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है इस तरह से प्लांट डेवलप करने में, क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्लांट छोटे से प्लांट से ट्रेन हुए होते हैं। बहुत ही पतली टहनी मैंने उसके साथ लपेटी हुई थी और फिर ये डेवलप हुआ है। और यहाँ इस तरह डबल स्टाइल हो जाती है, मल्टी स्टाइल, तो इसकी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये ब्रांच पूरी तरह डाईबैक हो गई क्योंकि मैं बैलेंस बना नहीं पाया। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैंने ज़रा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस बार तूफान भी आया पिछले मानसून में, उसमें भी कुछ डैमेज हुआ, प्लांट यहाँ वहाँ करने पड़े, कंस्ट्रक्शन चल रहा था वगैरह में, ध्यान नहीं दे पाया इतना, बस पानी देता रहा। अभी कुछ सेटल कर रहा हूँ प्लांट, अभी भी कह नहीं सकता कहाँ किसे रखने, मुश्किल है थोड़ा, फिर भी नर्चर तो करना है, देखभाल तो करनी ही है। तो उसने फुटाव ले लिया है, यानी ये प्लांट अब ग्रोथ में आ गया है। तो यहाँ मुझे कर देना पड़ेगा ट्रिमिंग अब, जिससे ये सीधा मल्टीप्लाई करने लगे। दोस्तों ये वक्त है दोस्तों एक साथ ग्रोथ करवाने का, या करता भी है प्लांट तो साथ साथ में, जहाँ जहाँ वायर बाइट हुआ है, क्योंकि ये पिछली बार का वायरिंग होगा, मैंने बैलेंस करने के लिए बांधा होगा, तो वो सब भी निकालते चलना है। इस तरह कटिंग कर सकते हैं। जब प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो हम प्लांट पे कुछ हो ऐसा नहीं चाहते दोस्तों, इसलिए वायर को कट कर देना है। वायर बाइट ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, प्लांट भी डैमेज होती है, और कट करते वक्त भी कहीं कहीं ब्रांच में डैमेज आ जाती है। यहाँ से ओपन कर लेना है, और जो खुली हुई ब्रांच है वहाँ तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर अंदरूनी पार्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग की बात पिछले 2 सालों में मैंने समझा, क्योंकि पहले मैं प्लांट तो ट्रेन कर देता था पर ब्रांचें भी हो जाती थी, फिर उसको मैं बनाए नहीं रख पाता था। गुजरते मौसम के बाद वो धीरे धीरे करके ब्रांच सब चली जाती थी। इस तरह के ब्रांच स्प्रिंग आते आते इतनी ब्रांच नहीं बचती थी, वो अब बचने लगी है, यानी प्लांट अब शेप में रख पा रहा हूँ। फिर भी कुछ गलती की वजह से इस तरह कुछ ब्रांचेस चली भी जाती है, तो अब बैलेंस करना आ गया है, तो कह सकते हैं कि बोनसाई को ट्रेन करना आ गया है। अगर बैलेंसिंग नहीं आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छा शेप भी नहीं अचीव कर पाएंगे प्लांट में, तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए रेगुलर वीडियो देखते रहे। आप जियो स्पीसीज पे काम भी नहीं करना चाहते, वैसी स्पीसीज का वीडियो भी मैं रखता हूँ, तो वो देखना ज़रूरी है। उसमें जो आइडियाज़ लगते हैं, जो वर्क लगता है, जो जुगाड़ लगता है, वो सब जानना जरूरी हो जाता है अगर आप इस आर्ट में बने रहना चाहते हैं। ज़्यादा प्लांट नहीं है तो 2-3 प्लांट पे भी वर्क करते रहे दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास 15-20 या 100 प्लांट हो, भले ही 4 हो पर क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। तो जहाँ जहाँ कटिंग वहाँ वहाँ मैं इस तरीके से फंगिसाइड लगा देता हूँ, जिससे मुझे और ज़्यादा सेफ्टी मिलती है इस प्लांट को भी, और मुझे भी रहती है तसल्ली कि भाई ये अच्छा रहेगा। तो चाहे जो नए टिप्स आए हैं या इतना लंबे हैं, तो उसको आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, तो ये सेट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे आने वाला जो ग्रोथ होगा उसको हम बढ़िया तरीके से ग्रोथ करवा पाए और मनचाहा सेफ या सेप हमें मिले। एक बार ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, फिर नीचे की ब्रांच ग्रोथ करने देंगे, ऊपर
ट्रिमिंग करेंगे, दूसरी बार में नीचे की ब्रांच में ट्रिमिंग नहीं होती, तभी बैलेंस कर पाएंगे। फिर ऊपर का ग्रोथ रुक जाएगा कुछ मल्टीप्लाई होके, तब कहीं जाके नीचे वाली ब्रांचों में करना है। ये सब जानना जरूरी है, तभी कुछ कर पाएंगे। तो बैलेंस करना जरूरी है। वायर निकल रहा हूँ अभी, तो अभी स्प्रिंग चल रहा है, तो अभी बहुत जल्दी वायर ब्राइट हो जाएंगे दोस्तों। महीना भी नहीं लगता वायर ब्राइट होने में। अगर आप कौन से सीजन में वायरिंग करते हो उस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग के बाद वायरिंग करते हैं तो भी इतना थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। फिर विंटर से पहले अगर आपने वायरिंग किया है तो पूरा विंटर निकल जाएगा, 3-4 महीने, या स्प्रिंग आते आते ही आपको, या स्प्रिंग आ जाने के बाद इस तरह रिपोर्टिंग वगैरह करते वक्त ही आप वायर को निकाल सकते हैं। और नजरें गड़ाए रखनी है, कभी कभी अपने प्लांट को ऑब्जर्व करते रहिएगा। पिछले वाले वायर मार्क जाते हुए दोस्तों ये धीरे धीरे चले जाएंगे, तो नज़रें बनाए रखनी होती है जिससे आसानी हो नज़र रखने में। ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा वायर बाइट नहीं होने देना चाहिए यहाँ जैसे हुआ है। तो तब तो इस तरह कट करके ही निकालना पड़ता है। तो वायर निकाल दिए गया है, अब हम ट्रिमिंग कर लेंगे। इस बार का ट्रिमिंग सिंपल रहेगा, इस तरह जो भी नया ग्रोथ आया है वो हटाएंगे और उस ब्रांच में से हमें 2 ब्रांचें चाहिए। और पिछली बार हमने सीखा था दोस्तों, जब नए इंटरनोड आएंगे तो हम 4 पत्ते या 5 पत्ते के बाद, जैसे कि यहाँ 4-5 इंटरनोड के बाद ट्रिमिंग करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 2 ब्रांचें निकलेगी ऊपर से, यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ ग्रोथ हो जाएगा, थिकनेस मिल जाएगी, फिर हमें उसको जो थिकनेस जो ब्रांच बड़ी थी उसको हटा के यहाँ दोनों में से ग्रोथ करवाना है। ये अलग टेक्निक है, पिछली बार अगर किसी ने वीडियो देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देख ले। बट ये इतनी लंबी नहीं रखेंगे, अभी तो हमें यहाँ 2 इंटरनोड में से चाहिए, फिर 4 इंटरनोड वाला चलेगा सिलसिला। वो पिछली बार मैंने बहुत तसल्ली से समझाया है कई सारे वीडियो में, रेगुलर व्यूवर्स को तो पता ही होगा। तो अभी तो हम फाइनल ब्रांचिंग के लिए ट्रिमिंग कर रहे हैं, यानी इस ट्रिमिंग के बाद जो भी ग्रोथ होगा उसमें 4 पत्तों के बाद 5वें पत्ते पे ट्रिमिंग होगी, और जो ग्रोथ निकलेगा दोस्तों उसको भी हम हटाएंगे, और उसमें ग्रोथ हटाने के बाद जो हमें मिलेगा उसी में आगे चलता होता है। ये सब रेगुलर देखने वाले के लिए, नहीं तो शुरुआत में देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। पिछली बार बहुत ही आसानी से और तसल्ली से समझाया, अगर वो किसी को याद हो तो अच्छी बात है। जो बनाना चाहते हैं या जो वर्क करना चाहते हैं प्लांट पे, उसको याद ही होना चाहिए। नहीं याद है तो न्यू ग्रोथ आएगा तभी मैं डिस्कस करूँगा, अभी तो डिस्कस करना मुझे बेकार लग रहा है क्योंकि नए लोगों को नहीं समझ में आएगा। फिर भी ये शेप में है, देखिए प्लांट तो शेप में है एक नेचुरल अंदाज में, तो वही चाहिए दोस्तों। अब यहाँ आप वायरिंग करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 ब्रांचों को प्लेस करने के लिए आप वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ भले ही क्रॉस हो रही है पर ये जगह बनने के लिए हमने इस ब्रांच को प्रमोट किया है। प्लांट थोड़ा सा झुका है तो मैं सेट करूँगा, ये देखिए इस तरह से झुका है, तो यहाँ मुझे ढेर सारी सोइल रख देनी है और पॉकिंग करना है। तो यहाँ मैंने सोइल डाल दी, अब मुझे करना है दोस्तों पॉकिंग इस तरीके से, यहाँ जहाँ जगह बनी हुई होगी वहाँ मुझे सोइल को पहुँचा देना है, तो वहाँ कोई एयर पॉकेट भी ना रहे
और प्लांट भी सेट हो जाए इस तरीके से। और खींच के भी बांध सकते हैं, यहाँ पहले ही अरेंजमेंट लगा के रखा हुआ है, पिछली बार जो अटैच किया होगा प्लांट को उसको। रोक एकदम ही सिंपल है, रास्ते पे पड़ा हुआ, तो रोक के लिए आपको कोई टेंशन नहीं करनी है, प्लांट सीधा भी हो गया। तो इस तरीके से जुगाड़ करके करना आना चाहिए दोस्तों। नई सोइल लेके मैं पोकिंग कर देता हूँ सब जगह से, यानी चारों ओर से, तो कहीं इवन कुछ से अंदर कोई एयर पॉकेट ना बचे। और यहाँ वायर बाइट हो गया है तो उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा, देख सकते हैं। तो एक छोटे प्लांट से इस तरह का डेवलप प्लांट बनाने के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस भी लगता है टाइम के साथ, मेहनत को तो हम गिनते ही नहीं, वो तो हमें करनी ही करनी है। यहाँ कट कर लगा देंगे मैच्योरिटी के दिखाने के लिए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे और फंगिसाइड लगा देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों प्लांट पूरी तरह डेवलप हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई होगा, मैच्योरिटी होगी, क्योंकि यहाँ जो भी मैंने जैसे कहा कि जहाँ ग्रोथ होगा उसको हम थोड़ा बढ़ने देंगे अनबैलेंस होने तक, और फिर नए ग्रोथ को उड़ा के फिर से उसको ग्रोथ करवाएंगे, तब क्या होगा ब्रांचों में थिकनेस आएगी, प्लांट में मैच्योरिटी आएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए देखते रहे माय बॉन्साई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।